ये हमारे एक दोस्त हैं, वो आए हैं, उन्होंने टेस्ला लिया है, वो भी रिवील वीडियो बनाएंगे। टेस्ला? हाँ, वो भी आपको दिखाते हैं। अगर वो मुझे 25 लाख में मिल जाए तो मैं ले लूँगा। सलाम अलैकुम जी, बड़ी देर के बाद जो है मैं ओनर रिव्यू जो है होस्ट कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो है फिजा है, हमारी जो कोलीग है, इन्होंने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, और ये प्रोडक्ट डिजाइनर है, यू आई यू एक्स डिजाइन कर दी है। हम ढूंढ रहे थे कोई सेलिब्रिटी का रिव्यू करें, बट मुझे पता लगा कि हमारे जो साथ ही जो है डिपार्टमेंट, उसमें ही सेलिब्रिटी बैठती हैं और काफ़ी वर्सेटाइल है, और ये पहले एंकर भी रह चुकी हैं और उसके बाद अब ये यू आई यू एक्स भी कर रही हैं। मुझे नहीं समझ आता कि इतनी वर्सेटिलिटी कहाँ से आती है। सो 2007 इनकी फिट है, होंडा फिट, और इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है ये हमारे साथ शेयर करेंगी। इससे पहले मैं इनसे थोड़ा सा पूछूंगा कि आपने ड्राइविंग स्टार्ट कब की? वो जब मैं FSC में थी। अच्छा। तब मेरे अब्बू ने मुझे एक ड्राइविंग स्कूल में डाला था। ड्राइविंग स्कूल भी क्या था, तब हम सियालकोट में होते थे ना, क्योंकि आर्मी ब्रैट हूँ मैं। अच्छा। तो आपने पहले ही डरा दिया। नहीं, एक वो थी, एक खातून थी। अच्छा। उनके पास ना मेहरान थी और काफी वोर्न डाउन किस्म की थी, क्योंकि वो उस पर ड्राइविंग सिखाती थी सबको, तो आप उसकी हालत एक तरह की गेस कर सकते हैं कैसी होगी। तो उस पर उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई, तो वो ड्राइविंग स्कूल था। तो हाँ, कितनी देर में सीख लिया आपने? पता है, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है, चंद माह लगे होंगे या जो भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो मुझ में था, क्योंकि आपको पाकिस्तान की सड़कों में ना गाड़ी चलाने के लिए कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता है आखिर। वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्रेसिव आप ड्राइव करें तो लोग खुद ही रास्ता देने लग जाते हैं। एक मेरे पास थ्योरी है पाकिस्तान में गाड़ी चलाने की, वो ये है कि समझो अपने बाप की सड़क है, क्योंकि ये भी समझता है उसके बाप की सड़क है, ये भी समझता है, वो भी समझता है। जहाँ पे आपको लगेगा ना कि ये मेरे बाप की नहीं, उसके बाप की सड़क है, आपसे गाड़ी नहीं चलनी। वो एजुकेशन नहीं है ना कि मोटरसाइकिल्स को जो है बाहर कंट्रीज में जाए तो लेफ्ट साइड पे वो चला रहे होते हैं, गाड़ी वाले अपनी लेन में रहते हैं, यहाँ कोई लेन डिसिप्लिन नहीं है। मोटरसाइकिल्स डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड, कुछ अच्छे भी चलाते हैं मोटरसाइकिल्स, कुछ जो खास तौर पर आपके कुछ कह लो जिन्होंने नई नई मोटरसाइकिल पकड़ी है या जो एक्साइटेड है बड़ा, वो इतनी बुरी चलाते हैं, वो ना सीधी सड़क पे टेढ़ी जा रही होगी बाइक, और एक वो जो होता है वो अचानक से ना यू टर्न पे या बेंड पे यूं आके खड़े हो जाते हैं, एंड देन जस्ट लुकिंग एट यू लाइक आर यू लेटिंग मी गो और डू आई गो माय। इसी तरह ही होते हैं, और मैंने देखे छोटे शहरों में, फैसलाबाद वीकेंड गया हुआ था आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो उधर गाड़ियों वाले मोटरसाइकिल की तरह ही चला रहे थे, तो मैं तो बड़ा डर डर के चला रहा था। तो उसके बाद आपने कौन सी गाड़ी चलाई मेहरान के बाद? मेहरान के बाद मैंने काफ़ी अरसा गाड़ी नहीं चलाई, और हाँ, जो कॉन्फिडेंस की बात बता रही थी वो, क्योंकि जो आर्मी के ड्राइवर्स होते हैं ना, उनको मतलब गाड़ी चलानी आती है, तो मैंने उनसे सीखा कि कैसे बम्पर टू बम्पर आगे गाड़ी के साथ फॉलो कर रहे हैं जो भी, तो कॉन्फिडेंस मुझे उनसे आया। मगर उसके बाद मैंने काफ़ी देर गाड़ी नहीं चलाई। हाँ, फिर मेरे अबू ने ख़रीदी थी टोयोटा करोला एक्स, है ना, जापानी जो होती है, जापानी, हाँ वो ली थी, और वो आज तक मेरी फेवरेट गाड़ी है। वो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, और वो ऑटोमेटिक थी, वो पहली ऑटोमेटिक गाड़ी जो है हमारी फैमिली में आई थी, तो वो मैंने चलाई थी, उसका मुझे बड़ा मजा आया था। मेहरान के बाद जब आपने करोला एक्स की ब्रेक मारी तो आपको फर्क पता लगा कि ब्रेक्स में कितना फर्क होता है? मुझे तो जब ये वाली चलाई तब भी मुझे पता चला कि ब्रेक्स में कितना फर्क होता है। हर गाड़ी का ना एक वेरी करता है, तो अब मुझे ये इतना अंदाजा हो गया कि मैं अगर मैं किसी और गाड़ी में बैठी हूँ ड्राइव करने के लिए, तो मैं बहुत हल्का सा ब्रेक पे पाँव रखना है, और उससे मुझे अंदाजा लगाना है कि कितनी सेंसिटिव है या क्या सीन है। ये वाली गाड़ी आपने कब ली? ये इसका मुझे एग्जैक्टली एक साल हो गया है, पिछले जनवरी। और इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाती थी? इससे पहले मेरे पास बहुत क्यूट गाड़ी थी, डायहेट्सु कोपन, वो जो 2-सीटर है, 660cc टर्बो इंजन, और वो मैंने अपने पैसों से ली थी, क्योंकि मैं न्यूज एंकर थी, तो मतलब मैंने सेविंग्स कर ली थी, आपको पता है मेरे अपने कोई ऐसे खर्चे नहीं होते थे, सारा तो पापा का पैसे पे पल रही थी मैं, तो मैंने इतने सेव कर लिए थे, तो वो मैंने खरीदी थी 12 लाख रुपए की। तो इतनी क्यूट, इतनी प्यारी, मुझे, मैं उसकी वीडियोस आपको भेजूंगी, अगर आपने बीच में प्लग करनी है कर लें। तो फुल शशके के साथ ऑफिस जाती थी बहुत, उसकी वो कन्वर्टेबल थी, उसकी छत नीचे करके ऊंचे ऊंचे गाने लगा के, मेरे साथ मेरा छोटा भाई बैठता ही नहीं था, क्योंकि वो कहता था शोखी हो रही है उसमें बैठी हुई, मगर उसकी ना वाइब ही और है उस गाड़ी की। हाँ, वो तो है, बट आई थिंक डेली ड्रिवन उसमें शायद चैलेंज आता हो थोड़ा बहुत ज्यादा मुझे। तो फिर आपने ये गाड़ी क्यों ली, कब ली, और मतलब क्या इसके पीछे डिसीजन क्या था, और इसका डिटेल भी बता दें गाड़ी की। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। तो जैसा आपने कहा है कि कोपन जो है पुलिस पे पार्क व्हील्स लिखा हुआ है, क्यूट सही है। जैसे वो आपने कहा है कि वो रोजमर्रा चलाने की वाली गाड़ी नहीं है डायहेट्सु कोपन, व्हिच इज एक्चुअली वेरी करेक्ट। उससे ना मुझे लोअर बैक प्रॉब्लम्स होने लग गए। अच्छा। ठीक है,
तो साथ में ना घर में एक और भी गाड़ी थी, होंडा सिविक 2009 वाली शायद, वो यू लाइटों वाली. तो वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी. तो मैंने ना गुजरते हुए ही अपनी फैमिली में कहा कि ना मुझे ना ड्राइव करते हुए बड़ा फर्क महसूस हुआ है वो होंडा चलाने में और ये डाइट्सो चलाने में, क्योंकि डाइट्सो नीचे है और आपके जो घुटने होते हैं वो आपकी कह लो बैक से ऊपर होते हैं ना. हाँ, तो बिल्कुल सीधा आपका पोस्चर होता है, काफी सीधा नहीं होता. हाँ, आप जमीन पे बैठे होते हैं उस पे. हाँ, डाइट्सो कोपन में. अच्छा, होंडा में मेरा सीधा था, मैं जैसे कुर्सी पे बैठते हैं वैसे बैठी हुई थी. तो मुझे उसको ड्राइव करते हुए महसूस हुआ कि ना ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो मैंने इन पासिंग ये चीज बोल दी. तो आपने कहा मैंने होंडा ही ले था. तो मेरे जो अबू है ना उनके जहन में ये बात इम्प्रिंट हो गई. उन्होंने कहा कि यू आर राइट, यू आर हैविंग दीज बैक प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग, एंड डाइट्सो कोपन इज नॉट अ प्रैक्टिकल कार, इट्स नॉट अ फैमिली कार, आप दो बंदों से ज्यादा बिठा नहीं सकते. तो मैंने कहा मैं और मेरा मियाँ ही है, हमने किसको बिठा लेना है. उन्होंने कहा कि नहीं, यू नीड अ नाइस कार, इस तरह करके. और वो इस्लामाबाद में रहते हैं तो वो मैं कोपन पे इस्लामाबाद जा भी नहीं सकती. तो उन्होंने मुहिम बांध ली, उन्होंने मेरे सुसर को मेरे मियाँ को ऑन बोर्ड लिया और कहा कि हमने कोपन बेच देनी है और हमने ये वाली गाड़ी, कोई और प्रैक्टिकल गाड़ी ले लेनी है. तो ये बेसिकली रीबॉर्न का स्टेयरिंग है, तो ये वो रीबॉर्न के साथ साथ ही आई है और आई थिंक उसके बाद ही वो जो है हुई होगी. अच्छा अच्छा, सो 20 लाख की आपने खरीदी, कितनी चला ली आपने? जब मैंने खरीदी थी तब भी काफी चली हुई थी, मेरे ख्याल से ये कोई लाख से ऊपर की चली हुई थी, क्योंकि मैं थर्ड ओनर हूँ. तो अभी मुझे डिफरेंस, अभी देखें 148 100 है, तो मैंने 48,000 चला ली हुई है. हाँ, ऑलमोस्ट, क्योंकि मतलब, लाख से ऊपर थी ही जब मैंने खरीदी थी. अच्छा, तो तकरीबन आपने 40,000 चला ली है. 40,000, हाँ लगभग कह सकते हैं. सही है, ठीक है ठीक है. तो काफी एक वास्ट एक्सपीरियंस आपको हो गया इस गाड़ी का. हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, अच्छी बातें क्या हैं? सबसे पहले अच्छी बातों की जिक्र कर लेते हैं. इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल, खासतौर पे आजकल के रेट्स में भी अगर देखा जाए. क्योंकि ये हाइब्रिड है और इसकी जो बैटरी है ना वो ब्रेक से रिचार्ज होती है, जब जब ब्रेक तो पाते हैं तो वो चार्ज होती है और फिर वापस वो इस्तेमाल करती है. तो इसकी मेरे ख्याल से अगर 50 से नीचे चलाऊ ना तो बैटरी असिस्ट करती है इसको. सही है, तो यानी फ्यूल कम लगता है इसका. तो क्या फ्यूल एवरेज दे रही है? फ्यूल एवरेज इस वक्त मुझे ये 15.4 दे रही है, मगर इसकी एक और भी वजह है, मैंने इसका इंजन ऑयल भी चेंज नहीं कराया हुआ. तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जैसे जैसे आप इंजन ऑयल चेंज कराते रहते हो रेगुलरली तो एवरेज अच्छी आती रहती है. वैसे मतलब 40,000 चलाइए तो 8 दफा तो आपको कराना चाहिए था, कितनी दफा कराया? हाँ, तो अभी मैंने आखिरी जो कराया वो सितंबर में कराया. सितंबर में कराया है तो 4 महीने हो गए तकरीबन, ज्यादा हो गया. इसके अंदर गियर कौन सा है आपको आइडिया है? सीवीटी है. सही है, तो इसकी भी फ्यूल एफिशिएंट, कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन. इसके अंदर पुली लगी होती है, डिफरेंट गरारियां नहीं होती, गियर्स नहीं होते छोटे बड़े. अच्छा, जैसे वो माउंटेन बाइक के अंदर होते हैं ना, जो नॉर्मल टॉर्क कन्वर्टर गाड़ियां होती हैं उनके अंदर वो नॉर्मल गियर्स लगे होते हैं. सीवीटी जो होती है वो पुली होती है, वो वेरिएबल करती रहती है. So जैसे जैसे एक ही गियर होता है, दिस इज अ गुड थिंग. और आपको एक तो जर्क नहीं फील होता जब भी गियर चेंज होता है, नहीं होता. और दूसरा ये फायदा होता है कि आपकी फ्यूल एवरेज जो होती है ना रेगुलर जो ऑटोमेटिक होती है उसे काफी बेहतर होती है. इसके की फीचर्स क्या हैं? फीचर्स कौन से आपको अच्छे लगते हैं इसके? इसका क्रूज कंट्रोल मुझे बहुत इम्प्रेस किया था. अच्छा, जब हम लोग इस्लामाबाद, मेरे मियाँ इस्लामाबाद में होते हैं, तो जब हम लोग वहाँ जा रहे थे ना, तो हाँ एक ये था कि इसकी टंकी हमें बीच में भेड़ा पे फिर भी फुल करानी पड़ी थी, क्योंकि हाइब्रिड को आप इस तरह लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट स्पीड पे नहीं लेके जा सकते, वो मुझे तब पता चला था. बट दैट्स व्हेन ऑन द मोटरवे, दैट्स व्हेन वी ट्राइड द क्रूज कंट्रोल एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मेरा वो, मैंने रेस से पांव हटा दिया था और क्रूज कंट्रोल इसका 100 की स्पीड तक रहता है, 120 पे नहीं होता, 100 की स्पीड पे, और वो गाड़ी खुद ही चल रही. मतलब मेरे लिए तो मिरेकल, ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस था. और मैंने इतने ठंड हो के गाड़ी चलाई ना, क्योंकि मैं और मेरा मियाँ हाफ हाफ करते हैं कि आधा भेरा तक वो चलाएगा, भेरा से आगे मैं. अच्छा, और वापसी पे भी इस तरह, मतलब जो भेरा तक चला रहे उससे अगला बंदा भेरा से आगे. सही, इसके अंदर और डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब आप मेंटेन कर सकती हैं जो टेम्परेचर है. ऑटो, हाँ ऑटो का बटन है, आई थिंक दैट्स व्हाट इट डज, आई हैव नॉट रियली इसके अलावा और कौन से फीचर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट किए इसकी तरफ? इसके अलावा मुझे ऑटो स्टॉप ऑनेस्टली बहुत पसंद है, और ऑटो स्टॉप भी मुझे मालूम पड़ा
पड़ा कि हर गाड़ी में नहीं होता. होता क्या है कि जब आप स्टॉप करते हो आपको दोबारा से इंजन खुद स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ इस तरह की स्टोरी है. इसमें वो चीज नहीं है. सो आई फील लाइक इट्स अ वेरी स्मार्ट कार इन दैट सेंस. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका. और साथ में जो उसका पैनोरामिक व्यू है सामने का, ये विजिबिलिटी बहुत अच्छी है. मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ना सनरूफ वाली गाड़ियां भी बहुत पसंद है. तो मेरा बजट ये था नहीं कि मैं सनरूफ वाली ले सकूं. सो दिस वाज द क्लोजेस्ट टू मी हैविंग अ सनरूफ. तो मुझे याद है जब मैं इसको टेस्ट ड्राइव पे भी लेके गई थी, तो अगेन एज अ वुमन आई डोंट केयर अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस. आई डिड लव द फैक्ट दैट इट इज सो पैनोरामिक एंड आई कैन सी एवरीवेयर. बहुत खुला खुला महसूस होता है. और बाकी इसकी ब्रेकिंग वगैरह, इसकी ब्रेक्स features. बहुत अच्छी हैं. इसमें ABS भी है और एयरबैग्स भी लगे हैं. दो एयरबैग हैं. हाँ. अच्छा. और एयरबैग्स भी बाय द वे तब चलते हैं जब आपने सीट बेल्ट लगाई हो. जब सीट बेल्ट नहीं लगाई होती एयरबैग्स नहीं चलते. सो एवरीबॉडी मस्ट वेयर योर सीट बेल्ट. फ्रंट वाले सीट एयरबैग्स नहीं चलते क्योंकि अगर वो सीट बेल्ट ना लगाई हो तो बंदा उड़ जाएगा. ऐसे ही वो वापस आपको पुश बैक तो वो साइड वाले चल जाते हैं जो कर्टन एयरबैग्स इन गाड़ियों में आते हैं. इसमें नहीं है. हाँ इसमें वो नहीं है. लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये काफी अच्छी गाड़ी मुझे लग रही है और स्मूथ है. और अभी जो ये गियर बिल्कुल जो अभी नई होंडा सिटी पाकिस्तान में आई है ना, बिल्कुल सेम वो वाला. अच्छा. ये इसका फॉन्ट है और CVT टेक्नोलॉजी भी वही सेम है. और स्पेशियस भी मेरे ख्याल से काफी आगे से भी अच्छी है. सीट्स भी कंफर्टेबल हैं. अच्छा एक और चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, इसके अंदर स्टोरेज स्पेसेस काफी ज्यादा है. स्टोरेज स्पेस बहुत है. आई लव दिस पार्ट. ये खवातीन के लिए आइडियल गाड़ी है. इधर मेरी पानी की बोतल है. ये भी है. हाँ ये भी. अच्छा. डैशबोर्ड में एक ये ग्लव बॉक्स है, एक ऊपर है, एक नीचे. फिर आपके आर्म रेस्ट में भी है. फिर उसके अलावा यहाँ पे मैं चाबी रख ली, यहाँ पे मैं फोन रख लिया, नीचे मेरी वाटर बॉटल है, एक में सनग्लासेस, एक में मेंबरशिप कार्ड्स हैं, एक में लिपस्टिक है. एंड देन ऊपर वाले ग्लव बॉक्स में टिश्यू पेपर पड़े हैं, नीचे वाले में कुछ कागजात वगैरह पड़े हैं. और उस तरफ भी यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आप अगर हम फ्रेंड्स वगैरह चाहें या मियाँ हो साथ में, उसके हाथ में कोई कप है या कुछ भी है. सो यू हैव अ कप होल्डर ओवर देयर टू. यू हैव टू कप होल्डर्स ओवर हियर जिसमें एक पानी की बोतल और पड़ी हुई है. सो दैट्स सुपर अमेजिंग. मुझे लगता था विड्स जो सेकंड जेन है उसमें सबसे ज्यादा स्पेसेस है, बट इसमें तो उसको टॉप कर दिया है. इसे नंबर 1 पे आ गई है. और इसका डैशबोर्ड भी इतना लंबा है. वही अगेन इट गिव्स यू द एन इल्यूजन ऑफ बीइंग इन अ वेरी वाइड कार एंड इट इज अ वाइड कार. इसकी डिगी बहुत अच्छी है. तो लॉन्ग ड्राइव पे कभी गई है? मतलब लॉन्ग ड्राइव मींस के आप आउट ऑफ सिटी इस्लामाबाद. सही है. उसमें ये बहुत बुरी है. तो इसकी हमने टैंकी फुल कराई थी और हम लोग इसको लेके चले गए जी मोटरवे पे. और मैं भी बड़ी एक्साइटेड कि पहली दफा मतलब मैं अपनी गाड़ी पे मोटरवे पे जा रही हूँ. तो भेरा तक टैंकी खाली. हमें तो टेंशन पड़ गई कि भेरा तक ये पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी. इतनी ज्यादा पेट्रोल पी रही थी. बहुत. और इसकी एवरेज जो मैं सोच रही थी, क्योंकि आमतौर पे होता है कि जो हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं आप जितनी उसको चलाते रहोगे उतनी उसकी एवरेज अच्छी होती रहेगी. नहीं लॉन्ग पे तो अंडरस्टैंडेबली रीजनरेट नहीं हो रही और वो चीजें नहीं हो रही. लेकिन ये तो आप बहुत ही जरा डार्क साइड ऑफ होंडा फिट दिखा रही हैं. आई स्वेयर भेरा तक मस्सा मस्सा पहुंची. मैं आयतल कुर्सियां पढ़ रही हूँ कि अल्लाह प्लीज मोटरवे पे इस तरह बंद ना कर दे गाड़ी. और मेरा मियां भी थोड़ा टेंशन में एंड ही वाज लाइक सी यू वांटेड टू कम इन दिस कार, वी कुड हैव कम इन द करोला दैट वी हैव. तो वो एक अलग. तो मसा मसा करके भेरा पहुंची है. वहां पे इसकी हमने फिर टैंकी फुल करवाई जो पहले कभी नहीं हुआ. ना उसने कभी ऐसे किया, ना मैंने कभी ऐसे किया. तो वो एक नया एक्सपीरियंस था. और हम लोग जब पिंडी पहुंचे हैं इसकी टैंकी फिर खाली. अब वहां पे यही मसा मसा के किसी तरह घर तक पहुंच जाए. वो बहुत टेंशन उस हिसाब से थी. क्या एवरेज दी होगी यार? मेरे ख्याल से 11 तक ये गिर गई थी. अच्छा. एक इस गाड़ी का इशू है, जब मैंने खरीदी थी ना इसकी पावर विंडोज जो हैं वो खराब थी. अच्छा. तो वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई मुझसे. हाँ तो वो उन्होंने मैंने उनसे ये पूछा कहीं लगी थी, कुछ हुआ था कि उसके बाद ये मैकेनिज्म खराब हुआ है? तो उनका नहीं, ये हो गया विद टाइम. तो इसकी पावर विंडोज अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, ये तो ठीक चल रही. व्हाई डज दिस ओके ये मेरा ऑटो. अच्छा, वाला नहीं चल रहा. ये आपने क्या पावर बैंक लगाया हुआ है? अच्छा हाँ, ये मैंने नहीं लगाया हुआ है, ये पिछले ओनर के बेटे ने लगाया हुआ है. सो दिस इज सपोज टू प्रोजेक्ट द स्पीड एंड द इंजन पावर एंड यू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ. वो हेड अप डिस्प्ले है. हाँ अच्छा अच्छा. ऑटो स्टोर पे भी है, पॉपअप बैनर पे क्लिक करके आप खरीद सकते हैं. हाँ, इंटीग्रेशन फॉरन कर रहे हैं. इसका ये स्विच है. सही है. मैंने ऑफ कर दिया. But I don't care much about it.
अगर आप बेचना चाहें तो रीसेल कैसी है, फॉरन बिक जाएगी और क्या आपको पैसे मिलेंगे इसके? ख्याल से आखिरी जो मुझे मेरी अम्मी अंकल से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इफ यू ट्राई टू सेल इट नाउ तो ये 27 के अराउंड जाएगी, थर्ड ओनर एंड द नेक्स्ट पर्सन विल बी द फोर्थ ओनर। अगर इसके मैंने क्योंकि टायर्स चारों रिप्लेस करवाए हैं, इसमें बैटरी नहीं डलवाई हुई है मैंने, अच्छा, तो उस चीज को बैटरी हाइब्रिड वाली के वैसे ना पैसे वाले हाइब्रिड वाली बैटरी तो इतनी महंगी, बहुत एक्सपेंसिव है, इतनी महंगी। तब जब मैंने ली थी तब मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया था कि 1,10,000 की आपको एक पड़ेगी। और वो कितनी है टोटल? इसमें चार है। अच्छा, चार ही है मेरे ख्याल से, गूगल पे भी कंफर्म कर लेना, मुझे ड्राइवर ने बताया था इसमें चार है। सही है, सही है। तो वो एक खर्चा पड़ता है और अभी डिजनरेट भी काफी ज्यादा होगी होगी बाय दिस टाइम, क्योंकि सी डोंट टॉक लाइक दिस, 12 साल पुरानी है अभी तक तो सब सही, अभी एकदम से आपको आएगा खर्चा आगे, अल्लाह ना करे डिप्लीटेड सी प्लीज चेंज। मगर अगर ऐसे हुआ तो तब अगर 1,10 की थी, अब मुझे नहीं पता क्या सीन होगा, अब तो बहुत ही आई थिंक 2 की होगी इसके राउंड होना चाहिए जो इस हिसाब से डिप्रिसिएशन हो रही है, तो मेरी तनख्वाह बढ़वाएं। सही है। सो आप रिकमेंड करेंगी ये गाड़ी लेना जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं? फॉर वुमेन स्पेशली बिकॉज़ इट्स वेरी रिलायबल। अच्छा, कई दफा ऐसे हुआ है कि मैं जब कोट लखपत से आई हूँ तो इसकी टंकी खाली थी, वो जो टंकी की लाइट होती है वो ऑन होती है, मगर ये शहजादी मुझे कोट लखपत से कैंट तक लेके आई है इन क्रेजी ट्रैफिक, इन यू नो वेरी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक, ये मुझे लेके आई है, वेरी रिलायबल। अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह कोई नजर ना लगाए, ये खराब ही नहीं हुई बिल्कुल भी, और शी हैज आई कॉल इट शी हैज नेवर लेट मी डाउन एंड शी इज सो कंफर्टेबल, अच्छा, एंड शी इज जस्ट ब्रिलियंट, शी टेक्स केयर ऑफ मी एंड आई ट्राई टू टेक केयर। आप रेसिप्रोकेट करती हैं, साफ सुथरा रखती हैं इसको बहुत? हां हां, कल ही मैंने वो पार्किंग्स के उस मल्टीपर्पस क्लीनर से इसको साफ किया, ऑल पर्पस क्लीनर से। यहां पॉपअप बैनर पे क्लिक करके आप खरीद सकते हैं, बंडल्स भी काफी सारे हैं हमारे, तो उस पे काफी डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसके अलावा मेलास पे अगर आप विजिट करते हैं तो फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलता है हमारी अक्रॉस द कार केयर लाइनअप जो है। सो आप प्रोडक्ट मैनेजर है, यूआई यूएक्स डिजाइनर है, प्रोडक्ट डिजाइनर है। तो इस वक्त जैसे हम रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक रूमर भी है कि आज रात जो है 300 के करीब जो है पेट्रोल पहुंच जाएगा, तो हाइब्रिड कार विल मेक मोर सेंस। और आप थोड़ी हमारी ऐप में ना फ्रंट पे ले आए हाइब्रिड कार्स को और उसको हाईलाइट कर दें, और अगर व्यूअर्स आप भी हाइब्रिड गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो पॉपअप बैनर पे क्लिक करके जो है आप पार्कव्हील्स की ऐप को विजिट कर सकते हैं और वहाँ अपनी पसंद की गाड़ी जो है उसको शॉर्टलिस्ट करें, उसके बाद उसकी ऑक्शन शीट को वेरीफाई करें, वो हमारी सर्विस है। और इसके अलावा उसके बाद आप क्योंकि पाकिस्तान में भी चली होती है तो उसकी इंस्पेक्शन जो है वो लाजमी बुक करवाएं, उसके अंदर आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाती है, उस पर आप इवेल्यूएट कर सकते हैं और फाइनली जो सेलर है उसे बार्गेन करके एक अच्छी प्राइस में ख़रीद भी सकते हैं। तो ये 10,000 से कम का खर्चा है जो मैं आपको बता रहा हूँ और आप लाखों बचा लेंगे। सो व्यूअर्स, इस तरह के और इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, और थैंक यू सो मच फिज़ा, आपने काफ़ी जो है डिटेल्ड अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर किया है और काफी हेल्पफुल रहा होगा, स्पेशली फॉर विमेन अगर वो गाड़ी ढूंढ रही हैं तो दिस इज द कार, अगर अंडर 30 लाख आपका बजट है फॉर श्योर। सो ये इनसाइट भी काफी अच्छी गाड़ी है वैसे। सो ये हमारे एक दोस्त हैं, वो आए हैं, उन्होंने टेस्ला लिया है, वो भी रिवील वीडियो बनाएंगे। टेस्ला? हाँ, वो भी आपको दिखाते हैं। अगर वो मुझे 25 लाख में मिले तो ले लूं, ढाई करोड़ की होगी यूज्ड में। सो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और देखते रहे हमारी वीडियोस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।